नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। और सामने है एक इंग्लिश गुलाब, इंग्लिश रोज, और आज हम बात करेंगे इसे हम कटिंग से कैसे लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी है इस पर और बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, क्योंकि वो इसे नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैंने एक तरीका खोजा है, तो मैं आज उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों, अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका लाभ होगा, भला का उल्टा लाभ होता है, तो लोगों की हेल्प करें, भला करें। और अगर आप किसी पर दया करेंगे तो वो आपको याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा जो है वो याद होता है। तो ये दो सीख आप याद रखिए। तो चलिए आज हम इंग्लिश रोज को कटिंग से उगाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक इंग्लिश रोज अभी अभी लगाया मैंने 2-3 दिन पहले। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये एक इंग्लिश रोज है जो नर्सरी से मैं लाया हूँ। तो इसे दिखाने का मेरा मकसद ये है, इस ब्रांच को आप देखिए, इस ब्रांच में जो अंकुरण हुआ है वो पहले से ही था, ये और कोई अंकुरण नहीं है। जो शाखा बन रही है इंग्लिश ब्रांच की वो अलग से एक ही शाखा है और कोई शाखा नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देसी गुलाब आप देखना चाहेंगे, ये देखिए इस पर बहुत सारी आपको ये शाखाएं दिख जाएंगी। और इसके साथ ये मैंने एक इंग्लिश गुलाब बैंड किया हुआ है, इस पर एक या दो ही शाखा है। वास्तव में इंग्लिश गुलाब को दोस्तों सीड से उगाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि कभी सीड ख़राब आते हैं, कभी आपका मौसम ख़राब हो जाता है, कभी आपका तरीका गलत हो जाता है, कभी आपके सीड चूहे खा जाते हैं। तो जो नर्सरी वाले सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो कटिंग ही है। कटिंग करने का तरीका मैंने एक नर्सरी वाले से पूछा तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनरली इससे पहले मैं एक बार कटिंग लगा चुका हूँ, लेकिन उस समय मैं उसकी बारीकियाँ नहीं जानता था। आज मैंने आपके साथ कुछ बारीकियाँ शेयर करूँगा। तो पहले तो आप ये पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि कुछ वीडियो की बातें ऐसी होती हैं कि अगर आपसे मिस हो गई तो फिर पूरा वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है या जो उसकी वैल्यू है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इंग्लिश रोज जब भी आप लगाएं, ज़्यादातर बरसात के सीज़न में लगाया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन इसे जल्दी लगाने के लिए आप इसे अपने यहाँ पॉली हाउस में आप सितंबर में लगा सकते हैं। लेकिन जनरली गुलाब सर्दियों में ही लगाना चाहिए। सही समय गुलाब का इंडिया में दीपावली के बाद है, यानी कि अक्टूबर निकलने के बाद नवंबर शुरू हो जाए या मिड नवंबर आप कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश गुलाब की जो आप कटिंग काटें उसमें थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसी कटिंग काटें जिसमें कुछ ब्रांचेज निकल रही हों। आप ये देखिए, ऐसी ब्रांच ना लें जिसमें कोई शाखा ना निकले। जैसे ये ब्रांच उन्होंने ली है तो इसमें एक ये शाखा निकल रही है, ठीक यही आपको करना है कि आप जो भी शाखा लें उसमें कुछ ब्रांचेस निकलनी पहले से हो रही हों, क्योंकि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि केवल यही ब्रांच आगे को हमारी बढ़नी है, दूसरी ब्रांच नहीं निकलेगी। अगर नीचे से कोई अगर ब्रांच निकले और तो आप समझिए कि वो ब्रांच आपकी फिर जंगली हो जाएगी, उस पर फ्लावर नहीं आएंगे। केवल ये जो ब्रांचें हैं यही अगर सक्सेस हुई आगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से 45 डिग्री पे काटा है। आप भी ऐसे काटें कि एक दो ब्रांच जब आप कटिंग आप अपने पॉट में लगा दें, ज़मीन में लगा दें, तो जो आपकी कटिंग है उसकी एक दो शाखा ऊपर तक आनी चाहिए आपकी। तो बस यही नॉर्मल चीज़ या कॉमन चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसके बाद सॉइल
सॉयल थोड़ी आप नॉर्मल रखें, बालू का प्रयोग ज़्यादा करें तो ज़्यादा बढ़िया है। कोकोपीट हो मेरे पास, मैं इसके लिए कोकोपीट का ही उपयोग करने वाला हूँ, कोकोपीट राख और साधारण मिट्टी का। तो चलिए हम इसका जो है एक पॉट बनाते हैं और उसे आपको लगाकर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये राख है, और राख का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे जल्दी। राख में आप कुछ भी मत मिलाइए, कोई भी कीटनाशक, तब भी ये एक पेस्टिसाइड का काम करती है। इसमें हम कोकोपीट, गोबर खाद हो आपके पास, बर्मी कंपोस्ट हो वो मिला लीजिए, और थोड़ी सी मिट्टी आप अपने यहाँ से मिला सकते हैं, अपने गार्डन की मिट्टी हो, आपकी पॉट की मिट्टी हो, गमले की, वो मिला लीजिए आप, और उसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लीजिए। आपकी जो सॉइल बने उसमें जड़ों का विकास, रूट का विकास आसानी से हो जाना चाहिए। अपने गमले के लिए आप मिट्टी दोस्तों ऐसी जगह से लें जो यानी कि नाली के पास से ना हो, ज़्यादा उर्वरक नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो ब्रांच है वो रूट देने से पहले सड़ सकती है, और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ये लीजिए, हमारी सॉइल तैयार है। ये गिलास, और जो गिलास है ऐसे आप प्रेशर से ऐसे दबा दबा कर मिट्टी बनाएं, आप चाहे पॉलीथीन में मिट्टी लगाएं या फिर अपने पॉट में या इस गिलास में, आप ऐसे ढंग से ऐसे दबाएं। ये आपका एक गिलास कटिंग लगाने के लिए तैयार है। और आप किसी नुकीली चीज़ से इसमें होल कर दीजिए ड्रेनिंग के लिए, क्योंकि अतिरिक्त पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहा तो फिर आपकी जो कटिंग है वो ग्रो तो होगी नहीं, सड़ ही जाएगी वो। चलिए मैं एक और गिलास बना लेता हूँ। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप राख जलाकर बना सकते हैं, और फिर भी नहीं है तो फिर आप नीम की खली, नीम की पत्ती या नीम का ऑयल थोड़ा सा उपयोग करें। इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रांच है या जो कटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। दोस्तों मुझे जो इंग्लिश गुलाब है केवल उसकी बनावट की वजह से पसंद है, वरना देसी गुलाब की इतनी जो सुगंध होती है वो इंग्लिश गुलाब में तो शायद बिल्कुल ही नहीं, मुझे तो कभी लगी। तो आपकी ये तैयार है गिलास, जिन पर आपको अपनी कटिंग लगानी है। आप गिलास में लगाएं, पॉट में लगाएं, ज़मीन पर लगाएं, ध्यान रखें सॉइल अच्छी हो, पानी नहीं ठहरना चाहिए। और उसके बाद अपनी कटिंग लीजिए। हम यहाँ से काटेंगे, इसका ये जो ब्रांच है ये हम छोड़ेंगे, और ऐसे आप देख लीजिए ये ब्रांच हम इसे ग्रो ही कटना चाहेंगे। वैसे और दो एक ब्रांच हैं इस पर जो ग्रो हो जाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं ये हमारी अच्छी वाली ब्रांच है। ऐसे ही हमारी ये दूसरी जो कटिंग है ये भी बढ़िया ब्रांच है यहाँ पर, और ये कुछ और ऊपर ब्रांच हैं जो निकलेंगी। तो चलिए हम इन्हें लगाते हैं। इनके साथ प्रेशरली कुछ ना करें, आप एक होल करें किसी नुकीली चीज़ से, और ऐसे आसानी के साथ ऐसे हल्का सा प्रेशरली दबा दीजिए। और अभी जो मौसम है बिल्कुल आपके गुलाब लगाने का ही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने आपको। और आसानी के साथ ये ग्रो होंगी दोस्तों, 100% ग्रो होंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ इस पे जो फ्लावर आएंगे उनकी क्वालिटी और बेहतर होगी, घटिया नहीं होगी। वैसे कटिंग लगाने के बाद थोड़ी क्वालिटी डाउन होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। फ्लावर की जो कटिंग डाउन होती है उनके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात,
मेरे दोस्त पूछते रहते हैं अक्सर कि उनके फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो जनरली बात है कि आपने उसकी प्योरिंग नहीं की है, कटिंग नहीं की है। गुलाब हर साल कटिंग मांगता है, अगर उसकी कटिंग नहीं हो रही है तो फूल तो आएंगे थोड़े बहुत, एक आध वर्ष बहुत छोटे आएंगे और फिर आना ही बंद होंगे। दूसरी बात होती है आपकी छाया, शेड में अगर गुलाब रहता है तो आपके इस समय फूल आ जाएंगे, सर्दियों में गर्मियों में भी आ जाएंगे, लेकिन महीने दो महीने में एक बार बहुत हल्के से, और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। गुलाब को धूप चाहिए दोस्तों, उर्वरक शक्ति चाहिए, खाद देता रहना चाहिए, गोबर खाद बहुत ज़्यादा उसे पसंद है गुलाब को, तो आप कोशिश करें गोबर खाद देने की। गोबर खाद नहीं है वर्मी कंपोस्ट लें, वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो DAP रासायनिक खाद होती है, बहुत दाने उसके हैवी होते हैं, तो बहुत कम दाने, कभी कभार एक आध दो महीने बाद 4-5 दाने आप उसके डाल दिया करें। चाय की पत्ती आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सबसे बढ़िया फ्लावर प्लांट के लिए है। तो मैंने आपको कुछ राय दी और आपको ये इंग्लिश कटिंग लगाना बताया। आज तारीख नोट कर लीजिए, आज की तारीख 19 है और हम इन्हें अब देखेंगे 15 से 20 दिन बाद, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है वो तो कल से ही ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसकी जो रूट है वो दोस्तों अभी विंटर है तो जनरली 20 दिन लेंगी और हो सकता है ज़्यादा भी लें, लेकिन हम इन्हें 15 से 20 दिन बाद दोबारा रिव्यू करेंगे इसका और देखेंगे कि हमारी कटिंग सक्सेस होती है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जनरली आपकी जो समस्याएं थी वो सॉल्व हुई होंगी, और अगर नहीं हुई है तो हम और आप फिर मिलकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि गार्डनिंग हमारा पैशन है और आपका शौक हमारी हॉबी है। तो दोस्तों धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, लगातार बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे होम गार्डन में, और हम खोजेंगे कुछ नई विधियाँ, नई तकनीकियाँ, नई हॉबीज़। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, वीडियो आपको पसंद आया हो शेयर लाइक हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय। कैरंडोला के साथ ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा एक इनके फोटो भी बना दूं। तो आपकी कोई कमेंट हो तो वो जरूर लिखें दोस्तों। हम बातें भूल रहे थे वो आपको बता दें, वाटरिंग हल्की हल्की वाटरिंग करनी है, पहले दिन है तो आप पूरी तरह कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इन्हें छाया में रखना है आपको करीब 4 से 5 दिन। दोस्तों मेरे व्यूवर पूछते हैं कि कितने दिन शेड में रखें कटिंग को, तो ये जनरली बात है कोई भी कटिंग हो, किसी भी पौधे की कटिंग हो, 3 से 4 दिन आप उसे शेड में ही रखें, जब तक वो सेट ना हो जाए और आपको फिर लगे कि उसके पत्ते अब सही हैं तो फिर धीमे धीमे उसे धूप में रखना शुरू कर दीजिए। पहले दिन उसे 2-1 घंटे रखिए, फिर उसका समय बढ़ाते जाइए। तो इनको आपको अभी बिल्कुल सेट में रखना है, आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए जहाँ पर धूप भी आती है और छाया बनी रहती है, तो ये वहीं पर ग्रो कर जाएंगे। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो फिर इसे आप ऐसा कीजिए 4-5 दिन सेट में रखिए, उसके बाद से धूप में रखना हल्का हल्का शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी इन्हें धूप में रख देंगे तो बहुत जल्दी ये सूख जाएंगे और फिर ये ग्रो तो नहीं करेंगे, ग्रो करेंगे तब एक अलग बात है, आपको अभी से ये ख़राब लगेंगे। तो धन्यवाद दोबारा से।